नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका दिन आज अच्छा रहा होगा। एडवांस में जो इन्फॉर्मेशन जो एनालिसिस मिला आपको, उन लेवल के ऊपर अगर आपने काम किया है तो भाई दुनिया की कोई भी तारीख चीज आपको पैसा बनाने से नहीं रोक सकती है। आपको बोला था बैंक निफ्टी मोस्ट लाइकली गैप में रहने वाला है, इस पर्टिकुलर गैप के अंदर रहने वाला है। क्या लेवल ने काम किया भाई? खूबसूरती के साथ काम किया। ये देखो लेवल 45,600 का जो लेवल था, उसने मार्केट को कितनी बार प्रोटेक्ट किया है, कितनी बार बचाया। ये अगर के नीचे एक कन्विक्शन के साथ में क्लोजिंग देता तो मार्केट बहुत अच्छे नीचे की तरफ रह सकता है। ये लेवल एज इट इज मैं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि अगर मार्केट 46,094 को तोड़ के निकलता है तो रॉकेट क्या होता है सेम डे पर आपको पता लग सकता है। साथ के साथ निफ्टी के लेवल, अरे बाप रे बाप, मार्केट हुई गैप अप ओपनिंग। आपको मैंने बैंक निफ्टी का बताया था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो भाई नीचे जरूर आएगी। क्या बोला था? नीचे जरूर आएगी, और नीचे आई भी। यहां पर अगर देखने की कोशिश करें 5 फरवरी तब भाई आज ही है ना, 6 तारीख है आज यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेवल से अच्छी तरीके से काम किया, मार्केट खुली और एक बार नीचे भी आई, ठीक है। बैंक निफ्टी तो नीचे आई है, बैंक निफ्टी भी नीचे आई आपकी संजीवनी के टारगेट को देने के लिए। मैंने बोला था कि मार्केट अगर ये आपको एक शीट चेक की थी, ये देखो ये शेयर 45,630 क्या है पेंडिंग टारगेट फिबोनाची का। ये लेवल मार्केट बैंक निफ्टी छोड़ेगा नहीं और अगले 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर आना चाहिए। मोस्ट लाइकली आज आप नेक्स्ट डे पे आपको मिल जाएगा। मार्केट गैप अप ओपन हुई है, एनालिसिस वीडियो जाके देख लेना। मैंने आपको क्या बोला था, गैप अप गैप डाउन होना चाहिए मार्केट को मोस्ट लाइकली एनालिसिस करते वक्त, और ये लेवल को टच करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट अगर गैप अप होती है तो भी मार्केट इस लेवल को छूने के लिए नीचे की तरफ आएगी मैग्नेट की तरह खींच के। तो आपको क्या करना है, गैप अप होता है तो ठोको नीचे के लेवल के लिए, संजीवनी स्ट्रेटजी के हिसाब से नीचे की तरफ आएगा। पूरा टारगेट दिया मार्केट ने, क्लोजिंग लेवल से भी नीचे की तरफ आई, इस लेवल को टच किया, उसके बाद में इसने ड्रामे करने शुरू किए। पूरा दिन साइडवेज था, छुट्टी वाला दिन था, वो आपको बताया था। काफी लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर कॉल पुट करके पैसा जरूर गवाया। निफ्टी ने आपको मूव जरूर दिया है। गॉडजिला की स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम की है, गॉडजिला रोज काम करती है इवन इन द साइडवेज मार्केट। चिराग स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से आपको पैसा देके गया है। और फिबोनाची का हाई फाई सेटअप अगर आपने यूज किया हो, स्पेशली द स्टूडेंट्स गाइस, मस्त पैसे देखे गए, मस्त पैसे देखे गए। देखे गए कि नहीं देखे गए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये लो ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, कोई पंगा नहीं पड़ता। ये देखो मार्केट ने कहां से गोल्डन पॉकेट से रॉकेट होने के लिए सपोर्ट लिया, यहां से ये क्या लेवल है, ये क्या लेवल है, ये क्या लेवल है, ये क्या लेवल है, और उसके ऊपर के क्या लेवल है वो भी आपको निकालने आते हैं। पूरे के पूरे मार्केट ने बूम बाम किया। यहां पर कहीं पर हाई फाई का पूरा सेटअप था 21,920 के आसपास, ठीक है। मैंने अभी क्लोजिंग के टाइम पर देखा हाई फाई सेटअप लगा के 21,900, मैं आज छुट्टी में था तो ट्रेड नहीं किया। 21,920 के आसपास का टारगेट था और मार्केट में निफ्टी में 21,920 सेम डे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। हाई फाई के स्टूडेंट मुझे जरूर कमेंट करके बताना आपने फिबोनाची यूज किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर हम बात करें लेवल्स की तो लेवल्स में देखो कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, लेवल्स आज इट इज रहने वाले हैं। ये इसी तरीके से काम करेंगे तो लेवल्स को भी चेंज करके कोई फायदा नहीं है। अब कल जो हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो कैसे इनकैश कर सकते हैं, दो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या पिछले 3 दिनों से ये चीज चल रही है, निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। और जो गैप अप हुआ वो किस हिसाब से हुआ गाइस, आपको डेटा देख के बताया था। जिस हिसाब का डेटा बन के आया था उसके हिसाब से गैप अप बनता भी था, ठीक है। लेकिन निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाने चाहिए गैप अप के लिए। आज के हिसाब से जो प्राइस एक्शन बना है, कल एक ग्रीन ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन ओपनिंग कल की डेट में भी होनी चाहिए। अगर ये क्लोजिंग 900 के नीचे आ जाती है फिर तो डबल कंफर्मेशन थी कि डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्यों होनी चाहिए गाइस? इधर गया निफ्टी, अरे अरे प्रवाह किथे गया, एला इनू करता बंद, बैंक निफ्टी खोलिया, इनू कर दिया असी बंद, डेली के चार्ट पे आ जाते हैं निफ्टी। आपको एनालिसिस के साथ में कल मैंने एक और चीज बताई थी, आई होप आपको रिमेम्बर होगी। फ्राइडे की क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी निफ्टी के अंदर और हाईएस्ट हाई भी लगा था। मार्केट इस लेवल को फ्राइडे तक एक बार तोड़ना चाहिए। फ्राइडे तक इसका क्या मतलब है, 21,126.80 का नंबर है जो हाई मारा है। फ्राइडे से पहले पहले एक बार वन टाइम, ठीक है, बोलते हैं ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुकाला जरूरी है सनम। तो एक मुलाकात करने ये दोबारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद में चाहे गिरे ऊपर जाए वो देखा जाएगा, एक बार ये इसको आना चाहिए। एज पर हु, एज पर ज्ञानपा जी, और ज्ञानपा जी की एक्यूरेसी कितनी है? ज्ञानपा जी की एक्यूरेसी है 80% के आसपास। ठीक है, ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, उसके हिसाब से आप चल सकते हो। आज जो प्राइस एक्शन बना है वो भी काफी बुलिश है। ठीक है, कल एक ग्रीन ओपनिंग देख सकते हैं। एक्सचेंज निफ्टी यहाँ पर रिफ्रेश करके देखे तो अभी 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन ऊपर के सिग्नल बन रहे हैं। और मार्केट में अगर गिरना होता है ना, 30 मिनट्स की देखो कितनी कैंडल्स यहाँ पर रोकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरा दिन यहाँ 13 कैंडल आधे घंटे की यहाँ पर रोक के रखी है। पूरा दिन यहाँ पर तमाशा मचा के रखा है। अगर यहाँ पर देखें तो ये कंसोलिडेशन हो रही है। मतलब सिंपल सा रूल है गाइस, इसके नीचे और इसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग में अच्छे मोमेंटम आपको मिल सकते हैं। कल जो दिन क्या है, कल का दिन भी एक साइडवेज दिन रहने वाला है, लेकिन कल आपको एक मूव मिलेगी। ठीक है, अच्छा मूव मिलेगा। कल आपको एक मूव तो डेफिनेटली मिलने वाला है, निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाएगा, निफ्टी के अंदर भी मिल सकता है। ठीक है, कहाँ 46,000 के ऊपर और 46,600 के नीचे आपको एक तगड़ा झटका आने वाला है। और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, उसके नीचे कैंडल सस्टेन कर, इस लेवल के नीचे कैंडल सस्टेन करके नीचे की तरफ आती है तो 45,300 के लेवल है। ये एक बेरिश लैग का टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अगर ये रिवर्सल है तो ये इसके ऊपर अजीब और गरीब जरूर लगेगा, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। लेवल में कोई चेंजेस नहीं है, लेवल मैंने पहले भी ऐसे बनाए थे, आपके साथ में शेयर किए थे। ये एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने छुट्टी मनाई है वो खुश होंगे। ठीक है, जिन्होंने फिबोनाची सीखा है वो भी खुश होंगे, पैसे बने। पर काफी लोगों का आज लॉस हुआ है कॉल पुट के अंदर, क्योंकि ना तो कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे और ना पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बैठे थे फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और फाइनेंशियल निफ्टी में पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, एक ही कैंडल 150 पॉइंट की बनी है, जिसने वो मूव दे दिया एक ही टाइम पे। जो उसके अंदर बैठ गया उसका प्रॉफिट, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट में बैठा था उसका बड़ा लॉस। ठीक है, बाकी ठंडन गोपाल, क्योंकि मार्केट कॉलपुट 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 कर रही थी। ठीक है, मेरे मित्र ने भेजा है कुछ, आपको दिखाऊं क्या? फॉरवर्ड कर सकते क्या? फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ आपको, ये ध्यान से देखना। मार्केट ने ये काम किया, पूरा दिन मार्केट यही करती रही, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक बार दोबारा देख लेते हैं, मुझे बड़े बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हंसा हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप भी हंसो। मार्केट में यही काम चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मां बंदर की तरह। और हमें कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, जो ये कर रहा है लाल होता जा रहा है। मेरे दोस्त, लाल होने से बचो, कुछ नहीं है। कल का जो प्रोग्राम है वो सीधा प्रोग्राम है। कल ट्रेडिंग करनी है, ऑफ कोर्स कर सकते हो, दिन में एक दिन मूव लेगी, सेटअप बनता है तो ट्रेड करना। मार्केट में 46,000 के ऊपर और 45,615 के नीचे। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है गाइस, यहाँ पर ना इन सब के स्टॉप लॉस, किसके बायर्स के स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो डू एक्सपेक्ट अ वेरी गुड एंड फास्ट मूव। इसके नीचे जब मार्केट निकलेगी तो बहुत अच्छा मूव आएगा। ये 30 मिनट का चार्ट है इसलिए छोटा लग रहा है आपको, अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पर ले जाऊँ तो ये बहुत बहुत वो है। तो इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन करती है ना इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, इनफैक्ट यहाँ से एक लाइन खींच लेना, ये वाली, ये एक लाइन खींच लिए, ये एक डायगोनल सपोर्ट का काम करिए। ये लाइन नीचे की तरफ टूट जाती है, उसी जो कैंडल इसको तोड़ेगी उसी का लगाओ स्टॉप लॉस एसएल, और नीचे बैठ जाओ 45,300 के लेवल के लिए। मार्केट ये वाली स्पीड से आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि बेरिश फ्लैग का नीचे का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी नीचे के टारगेट दे रही है और निफ्टी ऊपर का टारगेट दे रही है, इसीलिए ये इंडेक्स डाइवर्जन जो चल रहा है ना, इसने बहुत सारे बायर्स का पैसा खाया। ऑप्शन सेलर बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना रहे हैं। ठीक है, सो कल की एक्सपायरी जो है वो एक्साइटमेंट रहने वाली है। लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है मेरे लिए, बैंक निफ्टी जहाँ थी वहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जहाँ थी वहीं है, कुछ ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर है नहीं। हाँ, निफ्टी जरूर ऊपर चली गई है, क्योंकि निफ्टी को 22,100 26 22,126.80 के लेवल को बीट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक नंबर है जो याद रखना अपसाइड पे बनाना। निफ्टी के लेवल्स भी सेम एज इट इज रहने वाले हैं। ये 21,960 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है, दोबारा से एक बार जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे ये ऊपर गई थी ना बिना रुके, यहाँ से वापस एक बार 22,126 के जो लेवल है यहाँ पर मार्केट रिएक्ट जरूर कर सकती है गाइस, क्योंकि याद रखना इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्या लगा हुआ है, लोगों की ना एल्गोज ऑलरेडी सेट है, तो वो ट्रिगर होंगी। जैसे यहाँ पर एक बार सेल ऑफ आया था ना, वो दोबारा ट्रिगर होगी, तो एक बार निकल जाना, क्योंकि यहाँ से आपको एक निफ्टी के अंदर 30 से 50 पॉइंट का रिवर्सल इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकता है। अब ये देखना है कि मार्केट गैप अप देती है तो कितना देती है, पहली बात। दूसरा, रिटेलर्स की जो पोजीशन है, उन्होंने रिटेलर्स की अपनी पोजीशन को काटा है कि नहीं काटा है। कल का जो डेटा हमने देखा था, वो नंबर्स अभी कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, डेटा तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन डेटा जैसे आएगा मैं ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, और आप वहां से ले सकते हो। चलो स्टॉक के भी देख लेते हैं फटाफट। आज बहुत सारे BTST बन रहे थे और बहुत सारे लोगों ने यू नो स्विंग ट्रेड भी यूज़ किए, तो स्विंग ट्रेड भी काफ़ी चल रही है। यहाँ चलते हैं हम स्टूडियो में और कल की वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट किया था। बहुत सारे कमेंट थे यार कल। ओ वाओ, 60 कमेंट्स गाइस, कमेंट्स। आई लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स गाइस, जिन्होंने जितने लोगों ने मैसेज किया है। ठीक है, सबसे पहला मैसेज आया इमरान भाई का, बोलते हैं गुड इवनिंग मेरे भाई, कैसा है। और बहुत सारे लोगों के गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून के मैसेजेस आए कमेंट सेक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी लिखा है दिल से लिखा है भाई, सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जितने लोगों ने किया है। ठीक है, GE तरुण भैया, GE मतलब अच्छा, गुड इवनिंग नितिन भाई, क्या हाल चाल है आपके। अंजनी जी कैसे हैं आप। गुरु, एक दिन में 300 पॉइंट देगी क्या। फिर 300 पॉइंट कौन, निफ्टी या बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए तो दे सकती है, बैंक निफ्टी के लिए तो 300 पॉइंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं, 4000 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे सरेश जी दूसरे यूट्यूबर्स की मार्केटिंग करते हुए, मेरे भाई आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक कहाँ है, किसी ने कुछ पूछा है क्या। RSI वीडियो विनय ट्रेंड में, ओके, कोशिश करूंगा यार वीकेंड में बनाने के लिए RSI की वीडियो। सर RSI वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन योर चैनल। यस जेमी भाई, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक RSI की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। RSI यार अच्छा, वो भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सही बोल रहा है मेरा भाई, वो भी देख सकते हो। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ RSI जो मैं अलग तरीके से यूज़ करता हूँ, वो भी उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन RSI के ऊपर ऑलरेडी है सीक्रेट ऑफ RSI, 1 घंटे की वीडियो है, आराम से देख सकते हो। ठीक है, लर्निंग के लिए तो ये भी बहुत है, बाप है सबकी। ठीक है, हरिओम भाई पूछते हैं HDFC का व्यू बता दीजिए, देख लेता हूँ सर HDFC का व्यू। और दूसरा कौन सा है, JB भाई पूछते हैं CDSL, दोनों देख लेते हैं कि क्या बोलता है। HDFC बैंक ना, HDFC बैंक यार बहुत बड़ा गैप छोड़ के आए, बाप रे बाप, अब कंसोलिडेशन कर रहा है। एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल एनालिसिस नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस लो से ये हाई, तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल जोन के ऊपर है। यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है ना, ये दोबारा ATH के लिए जाएगा, बाय कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड ये गोल्डन पॉइंट के नीचे क्लोज ना हो, अभी तक कोई कैंडल क्लोज तो नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी डेली की ग्रीन कैंडल मिलती है, कोई भी डेली की ग्रीन कैंडल जिसके हाई चांस है कल, तो आप ऊपर की ट्रेड बना सकते हो। अभी फिलहाल इसके अंदर वेट कर लो। ठीक है, CDSL देख लेते हैं। CDSL 2-3 महीने का व्यू पूछ रहे हैं। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी, फिबोनाची की ट्रेड थी मेरे भाई, इसके अंदर भी जेमी फिबोनाची यूज कर सकते हो। देखो ये कहाँ से भागा है, 50% के आसपास से भागा है, पूरे टारगेट भी दे दिए इसने। इसका 2-3 महीने का व्यू चाहिए तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कर रहा है ये। तुरु तुरु, ये लो मेरे भाई, यार ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके अंदर कुछ सेटअप तो नहीं है। ये एक पूरी जोन है जिसके ऊपर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से अगर देखें तो ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अब ये जब हमने बनाया तो क्या बना, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। कैंडल बहुत ज़्यादा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और ये जो चैनल है लगभग यहाँ से लेंगे तो 200 पॉइंट है, तो 200 पॉइंट एवरेज लेके चलो वो मिलेगा। यहाँ पर हुआ क्या था गाइस, ये ना गैप पर जिसका ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर आएगा थोड़ा सा, हाँ, ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ था वो एक ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल के साथ में हुआ था, इसलिए ये ऊपर आ गया। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है छोटा सा। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये अगर इस कैंडल का लो तोड़ता है, ये लो क्या है 1800 के आसपास का, तो ये इसके बेस पर एक बार दोबारा आएगा, और अगर ये यहीं से टूट के निकल जाता है तो आप इस रेड कैंडल के हाई को अपना बेंचमार्क बना के चल सकते हो। लेकिन इसका टारगेट क्या होगा, 200 पॉइंट्स। ये जो चैनल है ये 200 पॉइंट के आसपास आपको देके जाना चाहिए। कहाँ से, यहाँ से 200 पॉइंट, 2000 पॉइंट्स जी। तो एक ये टारगेट हो गया इसका 1987 का, इसका हाई, और इसका दूसरा टारगेट हो जाएगा 2079 के आसपास का। बाकी ये बेस तोड़ देता है तो फिर कहानी दूसरी हो जाएगी, क्योंकि ये गैप है यहाँ पर, ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा। फिर ये बहुत नीचे का टारगेट और ज़बरदस्त है, इसका नीचे का टारगेट और ज़बरदस्त है मेरे भाई। ठीक है, ये शॉर्टिंग पर अपॉर्चुनिटी और अच्छा बनेगा इसका, क्योंकि नीचे की तरफ ना गैप छोड़ के गए। तो ये लेवल है 1698 के आसपास, नीचे गिरता है ना बिंदास ठोक सकते हो 1370 के आसपास। तो 1470 to 1400 तक गिर सकता है। बीच में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। एक ये ज़रूर है, ये भी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये ऊपर गया ना उस तरीके से नीचे आ जाएगा इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका इफ एंड देन मॉडल ट्रेड बनता है कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के निकलती है, ये लेवल क्या है, बाय के ट्रेड में आप बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1911 के आसपास पहला टारगेट 1986 और दूसरा टारगेट 2080 के आसपास का निकल के आएगा। बट 1698 का लेवल तोड़ती है तो और नीचे की तरफ गिर सकता है। आप लोग की किस्मत बहुत अच्छी है गाइस, डेटा अभी आ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ अभी आया डेटा। तो फटाफट डेटा का भी समरी इसी के अंदर कर देते हैं। कल क्या डेट है, 7 फरवरी। डेटा सेव, डेस्कटॉप पे लेके आते हैं डेटा को। इधर गया 7 फरवरी, ये आ गया 7 फरवरी। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, समझो तो बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ है। क्या, 5 लाख जो इन्होंने कॉल की पोजीशन थी आज उन्होंने बुक कर ली है, मेरे ख्याल से इंडेक्स ही बुक हाफ कर दिया, तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पर बैरिश हो गया थोड़ा सा। 1,50,000 जो इनकी बुलिश पोजीशन थी वो यहाँ पर 55। तो यहाँ पर देखेंगे है अभी भी बुलिश, रिटेलर अभी भी बुलिश है, लेकिन इसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ये ज़्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ जाते हुए ज़रूर दिख रहा है, इसलिए इन्होंने पुट की पोजीशन ज़्यादा नहीं बनाई है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बुलिश पोजिशन ही है, लेकिन हाफ पोजिशन कर लिया है। यहाँ पर इन्होंने लॉस बुक किया है 1,85,000 से 67 लॉस बुक किया है, और 10,000 से इन्होंने ये ओके ये बैरिश पोजीशन और क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। तो ये साइडवेज टू बैरिश है एफआईआई। और अगर आप बात करें सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज की, 3,21,000 से 1,85,000 इन्होंने यहाँ पर भी अपना लॉस बुक किया है, और 1,35,000 से 5,000 रह गया, तो यहाँ पर भी लॉस बुक किया। तो पोजीशन सबने कम कर दी है अपनी। लेकिन अगर आप नट शेल में अगर देखने की और सोचने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर रिटेलर्स आर bullish still, FIIs are sideways to bearish, ठीक है, और proprietors की पोजीशन बहुत माइनर है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन दे आर bearish। ठीक है। लुकिंग एट दिस डेटा बिकॉज रिटेलर्स को मार्केट फेवर कर रही है, मार्केट अगेन फ्लैट टू ग्रीन खुलने चाहिए। लुकिंग एट द डेटा मार्केट फ्लैट टू ग्रीन खुलने चाहिए, ये डेटा यही बोल रहा है ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। लेवल्स में अपने चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं लेवल्स। एक्जेस्ट निफ्टी अभी फ्लैट ही चल रहा है, 16 पॉइंट का फ्लैट ही मानते हैं ठीक है। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस को जानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो की लिंक इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए उस एनालिसिस को करने की कोशिश करूंगा। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. जय हिंद, बाय बाय।